आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ और दोपहर पर रही, मुझे हाल नहीं पता है तो नहीं पता है। कहा गया है कि सीधे उंगली सीखे सही पापी की तुम अपने बताओ। जैसे भाभी के ऊपर 200 बरसा रहा है, वाह इस चोरनी को भाभी कह रहे हो क्या? मां जैसे भाभी है, चोरनी है, चोरी किया है, मेरी फूल कली का हाथ चुरा के छप लिया है। ये दोनों पुरानी की चाल है और उसकी तरफ गिर के गया हो तुम। उदय भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। आखिर ये बताओ घर की मालिका ने, घर पूरा संपन्न है हर चीज से तो हार क्यों जोड़ के रहेगी? संपन्न है मैं तुम्हारे दिल की बात को उसी दिन समझ गया था। देखो मेरे भैया, आज तक मैं सम्मान कर रहा था, अपनी पत्नी से कह दो कि इंसाफ इसी में है, इसी में है कि हर मेरी भूल गलती का नहीं है, वरना मरते मरते मैं जी खा पी लूंगा। अरे उदय राम तो पागल तो नहीं हो गया? तो बचपन से लेकर आज तक जानता है कि हम दो प्राणी तेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, कौन है फिर भी तुझे विश्वास नहीं है कि तेरी भाभी हार ले सकती? अब है ना बंदर, अब नहीं लेकर रहे हो, एक छोटा सा काम और कर दो। करोगे? क्या नहीं करोगे? मैं कहता हूँ तेरे लिए तुम अपनी जान भी दे सकता हूँ, वसीयत नामे पर दस्तखत कर दो। बस बस समझना कि तुम मुझ पर बहुत विश्वास करते हो। ए गुदेवान, अपना भाई है बेटा समझते हो। मैं सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि जिसमें गुदेवान की खुशी उसमें मेरी खुशी। छोटा सा काम है, छोटा सा काम कर दो, हम समझ जाएंगे कि आप जिसमें मेरी खुशी उसी में आपकी खुशी। अब और की बड़ी बात है उदय भान, तेरे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। वसीयत नामा लिखा हुआ है और साइन करो। वाह विजवान सिंह वाह। उदय भान अगर ये बात तुम मुझसे पहले बता दिया होता तो ना जाने कब मैं वसीयत नामा तेरा नाम कर देता। आज मुझे विश्वास हो रहा है कि तेरे दिल में पहले से ही खटक रही थी वसीयत नामा का मेरे पास हो जाए, इसलिए वसीयत नामा पहले से लिख कर रखा है। बहुत तरफगिरी कर रहा था रमेश्वरी, बहुत तरफगिरी कर रहा था, लेकिन उदय भान उस दिन भी तरफगिरी कर रहा था और आज भी तरफगिरी अपनी बीवी की कर रहा है। मैं कह रहा हूँ उदय भान, ये विधान मर सकता है लेकिन अन्याय के रास्ते पर कदम नहीं रख सकता। अब तेरे पास है क्या? अब तेरे पास है क्या जो न्याय के कदम पर पार रखेगा? अब तो अन्याय होगा, सारी रियासत, सारी दौलत, बैंक बैलेंस, पूरी प्रॉपर्टी
मेरे नाम हो गई है। तुमने हफ्ता में बता कर किया है, दफा हो जाए। तो कहना क्या चाहते हो? दफा हो जाए आप ही। मैं इसकी ताकत देखना चाहता हूँ। इच्छुक की आज तक कोई चोरी नहीं हुई, मगर आज मेरी बीवी के आने के बाद का हाथ चुरा कर कवर कर लिया और हाँ गौर कर रही है मैं चोरी नहीं की। लेकिन उधर हाँ एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर आप निर्दोष को दोषी बना रहा है तो किसी न किसी दिन इसका परिणाम बहुत खराब हो सकता है। परिणाम की चिंता करता तो ऐसा काम भी रहता है। मैं तो तेरा भाई हूँ, संतोष कर सकता हूँ। यदि जो कह रहा हूँ उसको दिल के अंदर याद रखना। अगर तेरी यही राय है तो हम दो प्राणी घर छोड़कर चले जा रहे हैं। चले जाएंगे ऐसे नहीं जाओगे, सीधे साथी नहीं जाओगे। मैं समझ रहा हूँ कि तुम दोनों उस काबिल हो कि जब तक तुम्हारे पत्र की चमड़िया नहीं उतर ली जाए तब तक तुम चलो। उसी दिन मैं समझ गया था, उसी दिन मैं समझ गया था कि तू भाई ही कसाई है, भाई जैसा मित और भाई जैसा भारी, ये दुनिया में कोई नहीं होता है। मगर हाँ तेरी चाल को समझ गया था। उसी दिन क्या ब्रह्म स्वर की पढ़ाई किया, उतार के छूता मेरे साथ मारा। आज के बाद कभी वापस नहीं आऊंगा, नहीं आए। लेकिन जाते जाते कुछ तो अभी जाएगा नहीं। अभी हमको लगता है तो घर से बेघर हो गया है। जहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव करेगा, जब पैसा नहीं चुनाव करेगा कैसे? जाते ही
आने चाहिए वरना काट के दे दूंगा। जितना पैसा पाते हैं उतना ही ज्यादा बनाओगे तो काट के रख दूंगा। खबरदार अब बाबू साहब के बाजा ना बाजा। अबे है कौन सा मेरा बाजा है जितना पावा था उतना बजावा। क्या बजावा? मैं बाजा दिया। अब बाबू साहब को परीक्षा दे बस तू बजवाओगे वह कहा के लिए बाबू साहब जब दे ही कबल बजाएगा ना हाथ बजाएगा। बाजा बजे तो तमका मारे लगे ना बाबू साहेब का बाजा बजाई अब तुहार बाजा या चाहे तू बजवाओ चाहे जिन बजवाओ अब तुम बजाओ। बाबू साहेब तू अपने भव्य सब करवा ले का करवाए ये सरमान का करवाए का करवाए है बताओ बे भाई से करवाए चापक का नाम नहीं है बतू भाई से करवाए खाओ है के देखा मूल खराब कर रहा है बोलो चलो मेरे साथ पहले चलते हैं कमरे में। तो मेरी बात सुना ना आज मेरी बहुत तबीयत खराब है स्वामी और मुझसे चला ही नहीं जा रहा है स्वामी। समझ रहा हूँ बच्चे की माँ बनने वाली हूँ समझ ही करीब आता जा रहा है इसलिए डर जरूर हो रहा होता होगा। लेकिन करूँ तो करूँ क्या करूँ यहाँ पर हम सब पहुंचे हुए यहाँ पर कोई अस्पताल भी नहीं कोई डॉक्टर भी नहीं। मैं इतना कहूंगा ऊपर वाले का नाम लेकर यहीं पर तुम बैठो मैं भी ऊपर वाले का नाम लेकर जा रहा हूँ कहीं न कहीं से डॉक्टर बाबू को साथ में लिवाता रहूंगा। जाओ स्वामी लेकिन बहुत जल्द आऊंगा जल्द आऊंगा।
Thank you.